कि मेरे प्यारे भाइयों बुहारियों, बेटाओं बेटियों, लड़ियों लड़ाओं, मैं पहली बार तपाई को स्याङ्जा में आएको छु। स्याङ्जा निवासी को ताली खाएको छु। नेपाली जनता का अगाडि नरेन्द्र मोदी माफी माग्न आएको छु। मित्रों, जब मैं पहली बार आपके यहां वालिंग में आया, आपके नरेंद्र हमारे रमेश बीजी को मैंने कहा, मिस्टर बीजी, आपके नेपाल ने बहुत दुख पाया, आपका नेपाल इंडिया को दे दो, 5 साल में हम इंडिया बनाकर फिरता कर देंगे। लेकिन आपके रमेश बीजी ने कहा, मोदी जी, खुकुरी मांगो बेड़ देंगे, खुकुरी मांगो बेड़ देंगे, नेपाल मांगो गेड़ देंगे। मित्रों, कितना अच्छा राष्ट्रीय भाव है। मैं आपके सामने खुशी मानने आया हूं। एक मित्र ने पूछा, मोदी जी, नेपाल आपको कैसा लगा, यहां का क्या चीज अच्छा लगा? मैंने कहा, पिज्जा खा के गीजा बिगाड़ने वालों, जरा ध्यान से सुनो, नेपाल का दाल भात दुनिया का सबसे अच्छा खाना है, क्योंकि दाल भात पर 24 आवर होता है। मित्रों, मैंने आपके वाली में देखा, नेपाली और हिंदुस्तानी नागरिक कैसा मिलजुल कर काम कर रहे थे। मैंने यहां चौक में देखा, हमारे हिंदुस्तानी पान चपा के वाल में पाल पार रहे थे, और आपके नेपाली वही पाल में चुरोट का ठोटा खाद रहे थे। कितना अच्छा एकता। मित्रों, मैं विदेश में जाता हूं, नेपाली कितना मिलजुल कर बैठते हैं। मैंने अमेरिका में देखा, बेलायत में देखा, यूके में देखा, जब नेपाली एक होता है तो अकेला नेपाली कवि बनता है, जब नेपाली दो होता है तो वो ऑनलाइन पत्रकार बनता है, नेपाली जब 3 होता है पार्टी खोलता है, नेपाली जब 4 होते हैं पार्टी फुटार दुर्गा बनाता है। कितना शक्ति। मोदी जी, तपाईलाई सर्वप्रथम यो वार्निंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है? मित्रों, ये हिंदी कहां का है? इनका हिंदी सुनकर मुझे रिगटा आ रहा है। इनका हिंदी ऐसा लग रहा है कि हमने जो नाकाबंदी किया, नाकाबंदी का बदला ये हिंदी को बेइज्जती करके दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। अब मैं आपका ये जो जिप्रो होता है ना, जिप्रो ये देखना चाहता हूं। जिप्रो आपका जिप्रो कितना है वो देखना चाहता हूं। मित्रों, मुझे लगा था ये भाई लड़का है, लेकिन एक लड़का दूसरे लड़का का जिब्रो मांग रहा है। मित्रों, मैं लड़का को जीव देने वाला समलिंगी नहीं है। इन्होंने पूछा, मोदी जी, आपका जिब्रो कितना है, आगे बढ़ो। वो मेरा मतलब नहीं था, तपाई को तपाई बाल बाल सेतै छ, दाढी सेतै छ, पहिरन सेतै छ, यस्तो बुढोलाई पनि कसैले जिब्रो देखाए? यसो नयाँ पिँढीको कुरा गर्छ र त्यो होइन मेरो मतलब। तिम्रा बाजे किन नहीं गर्दा? इन्होंने कहा, मोदी जी का बाल सफेद है, बूढ़ा है, इनके जोश नहीं है। लेकिन मित्रों, ध्यान से सुनो,
जिसका कपाल सफेद होता है उसका मन रंगीन होता है। मोदी जी आपका जीभ कितना है? जीभ मित्रों, क्या मैं शेषनाग लगता हूं जिसका हजारों का जिब्र होता है? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मेरा जिब्र एक ही है, क्योंकि इस जीव को हिंदी में जीव बोलता है, अंग्रेजी में टंग बोलता है। जब मैं टंग से बोलता हूं तो बेढंग होता है, जब जीव से बोलता हूं तो अजीब आवाज आता है। आप बोल रहे हैं आपका जीभ होता है वो एक ही है, लेकिन हमीला यस्तो लगता है, लेकिन हमीला यस्तो लगता है आपका चार जीभ है, क्योंकि आप जब अमेरिका जाते हो तो वहां लोग पूछते हैं गौतम बुद्ध कहां जन्मे थे, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो आप बोलते हैं नेपाल में आते हो तो नेपाल में हुआ था बोलते, अमेरिका जाते हो हिंदुस्तान में हुआ था बोलते हो, और बेलायत जाते हो तो वहां जाके बोलते हो भारत में हुआ था बोलते हो, और जब आप जापान में जाते हो वहां बोलते हो कि इंडिया में होता है होता हुआ था बोलते हो। इसलिए हमारे ख्याल से आपका चार जीभ होना चाहिए। मित्रों पहली बार 3 घंटा रिहर्सल किया, डायलॉग बोल दिया है। ऐसा पत्रकार नेपाल में हो तो विकास कैसे होता है? इन्होंने कहा बुद्ध का जन्म, एक लाइन का डायलॉग 3 दिन में कर दिया। इसीलिए मैं आपके सामने माफी मांगने आया हूं कि जिन्होंने आज के बाद बुद्ध का जन्म भारत में बोलेगा तो उसको कह देना मेरे भाई बुद्ध का जन्म भारत में नहीं बोलो नरेंद्र मोदी का जन्म शंजा के वालिंग में हुआ था। उसको कह देना अगर बुद्ध भारत में जन्मे होंगे तो नरेंद्र मोदी भी आधी खोला में माछा मारने वाला नरेंद्र मोदी का बाप है, नर बहादुर मांझी का बाप है। चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं, चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं, प्रेम एक से होती है हजारों से नहीं। आप क्या बोलते हो इस बारे में? मित्रों इन्होंने कहा प्रेम एक से होता है, ऐसा काला आदमी के साथ कौन दूसरा प्यार प्रेम करता है? मित्रों जब नौजवान हो भीतर से एनर्जी हो प्रेम एक से नहीं हजार से होता है, क्योंकि अगर चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होता है, चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होता है, प्रेम एक से होगी तो हजारों का क्या होता है। से तो कपड़ा से तो बारी से तो तीन बोलेगा, श्वेत कपाल श्वेत दाढ़ी श्वेत तिम्र लुगा, मन भने कति कालो किन होला बुढा। मित्रों इन्होंने कहा बूढ़ा, मेरे धर्म पुत्र ने शिकायत को सब बूढ़ा को मतलब इसके साथ मैंने शादी नहीं किया है, क्योंकि मैं एक पत्नी तो छोड़ दिया तो दूसरा लड़के को शादी करके क्या करता है। अब हम एक नेपाली गाना सुनाएंगे आपके लिए, थोड़ा सा इंग्लिश भी होगा, आपको ये पसंद आएगा हमारे ख्याल से। जल्दी करो डायलॉग लंबा हो गया। ओ बेला बेला नकाबंदी लाई दिन्छ, दर्शक नेपाली लाई दिन्छ, नकाबंदी लाई दिन्छ लाई दिन्छ नकाबंदी लाई दिन्छ, यो भाबरको हामीले के खाइरहेछौँ बल्ल बल्ल
ओ मोदी सेंजाली को मित्रों, इन्होंने कहा मोदी जी सेंजाली का जाल में पड़ गया है। मित्रों, इसका जवाब भी मन नेपाली गाना सिमसिमे में देता है। डंडो दियर कमियर नियारा, कमियर नियारा, योर को आछो आई को तो हो इजरा। मित्रों, सिमसिमे वाटर मा पॉलिटिक्स बने चलता है लटर पटर मा। धन्यवाद मोदी जी। और हामी केही राजनीतिक प्रश्न तर्फ जाँदैछौ, यहाँलाई म केही राजनीतिक प्रश्न गर्छु। पहिलो प्रश्न तपाईँको लागि, आफ्नो लिए पहिला प्रश्न, नेपाल औ भारत बीच रोटी बेटी सम्बन्ध भन्थे रे, तर बेला बेलामा नाकाबन्दी लाएर दुःख दिथे, आप क्यों? मित्रों, ऐसा लगता है ये सिरा टोकने आ रहे हैं। मित्रों, हमने नाकाबंदी नहीं लगाया था, हमने नाकाबंदी में औषधि रोका था लेकिन आलू नहीं रोका था, हमने गैस रोका था मधेश में गैस नहीं रोका था, हमने पेट्रोल रोका था लेकिन नाकाबंदी में भी कुए का केरा ट्रक का ट्रक नेपाल भेजा था, ये नाकाबंदी नहीं। मोदी जी, केरे से गाड़ी चलता है, एरोप्लेन उड़ता है, इंजन कहां से आता है, केरे से आता है, आपने इंजन रोका था। तेरा बाद डायलॉग लाना ना करता, मैंने जितना बोलना सिखाया था उतना ही बोलो, नहीं तो प्रचंड को तो ढल सकता हूं तुम्हारा क्या। इसीलिए इन्होंने कहा मोदी जी केरा से गाड़ी चलता है क्या। मित्रों, ये बच्चे को क्या पता कि केरा से क्या का चलता है। हमारे हिंदुस्तान में केला से गाड़ी ही नहीं आदमी ही दौड़ता है। आप भी वाली में केला खाओ, केला का बोकरा पुतली बाजार में फेंक दो, आदमी सीधा पोखरा पहुंचता है। तेसो भाई मोदी जी, तू मान से गुंडे केला खाए पता हो रख तर गाडी घुम्ने जहाज घुम्ने इन्धन चाहिँ नरोक्नुहोस्। यो रोक्न पाइँदैन। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको लागि यस्ता भनेका अधिकारका कुराहरू अधिकार खोज्ने त पाइँदैन नि त्यो। मित्रों, ये डायलग नहीं था, इसका डायलग था, ये क्यों कर रहा? आगे बढ़ो। ल ठिकै छ मोदीजी, अब हामी मोदीजीसँग छोटो गेम खेल्न चाहन्छौ। त्यो गेम भनेको चट्ट प्रश्न फट्ट जवाब। आफलाई कुरो मन पर्दा है, भारतका रामदेव कि नेपालका वामदेव? ये वामदेव किस तरह का नाम है? मैं हिंदुस्तान का आदमी, रामदेव का फैन हूं। मैंने पुतली बाजार में भी बड़े बड़े बोर्ड देखे पतंजलि का, यहां भी बहुत फैन है रामदेव का। लेकिन याद रखना मित्रों, सिर्फ रामदेव का योगा करने से पेट नहीं घटेगा, क्योंकि हमारे नेपाली भाइयों सुबह रामदेव के पीछे, दिन में वामदेव के पीछे, रात में झामदेव के पीछे और मध्य रात में कामदेव के पीछे होता है, ऐसे पेट नहीं घटेगा। बॉलीवुड की सन्नी ने उनकी हॉलीवुड की रेखा खाता। मित्रों, रेखा को मैंने नहीं देखा, सन्नी का फन्नी वीडियो देखना नहीं चाहता। इन्होंने मेरा तपश्चर्या भंग करने का ट्राई कर रहा। मित्रों, मैं कहता हूं मन पराने वाले हजार होते हैं, जुनी काटने उठे होते हैं, जति रुला रहे धर धरी रुला रहे, आत्मश्वास में आप ही होते हैं। केपी मोदी की प्रचंड, कल शाम केपी जी ने फोन किया, मैंने कहा ओली जी दिल्ली आइए, सिल्ली बना के भेज देंगे, लेकिन आपके केपी जी नहीं माने और मुझे एक गाना सुनाए। वो गाना था आगे आगे
केपी को घोड़ा पीछे पीछे प्रचंड लहर लहर होता है। अब फिर मही राजनीतिक प्रश्न सोन चाह मधेशी नेता भारत ने उचाले भन्ने आरोप इस बारे में क्या बोलते यार? तिम्रा बाजे में उचाला है मित्रों। मधेश के नेता के बारे में मैं एक शायरी में जवाब देता हूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी तुम्हारा नेता लंपसार पड़े तो मैं क्या करता है। अनि बाबुराम भट्टराई को नया शक्ति सघाउनु पर्यो भनेका